वाइज अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है, वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है जो इन लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें गांव के सभी अपराधी एक ही लिस्ट में दर्ज होंगे। इसलिए जितने भी पदाधिकारी यहां पर हैं, उपस्थित थे, उनको काफ़ी सतर्क रहने के लिए बोला गया है, काफ़ी मुस्तैदी से कार्य करने के लिए कहा गया है, और जो प्रतिनियुक्ति यहाँ पर है उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रुति। होली और शबे बारात को लेकर हर तरफ पुलिस और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की आपत्तिजनक घटनाएं ना हो, किसी भी तरह की असंवैधानिक गतिविधि ना हो, इसको लेकर हर तरफ चौक चौराहे पर पुलिस कर्मियों की तरह चौकसी की जा रही है। और इसी को लेकर अब जहानाबाद में मगध IG छत्र नील सिंह पहुंचे हैं, और उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक बुलाई है, जिसमें वो पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं छत्र नील सिंह, सबसे पहले आप वो सुने। बेसिकली होली को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा इसमें जो भी तैयारियां इनके द्वारा की गई हैं, जितनी भी कार्रवाइयां की गई, सबकी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो गांव वाइज अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है, वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है जो इन लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें गाँव के सभी अपराधी एक ही लिस्ट में दर्ज होंगे, चाहे वारंटी हों या किसी भी कांड में वांछित हों, सबकी सूची तैयार हो रही है। जितने भी सक्रिय अपराधी गांव के रहेंगे उसकी भी सूची तैयार हो रही है, जो इन लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है उसकी भी समीक्षा की गई है, और ये भी बताया कैसे उसमें अग्रतर कार्रवाई की जानी। सर, होली को कौन से आपके तरफ से क्या दिशा निर्देश है? जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उपस्थित थे, उनको काफ़ी सतर्क रहने के लिए बोला गया है, काफ़ी मुस्तैदी से कार्य करने के लिए कहा गया है, और जो प्रतिनियुक्ति यहाँ पर है उसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पुलिस कर्मियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक घटनाएं ना हो, किसी भी तरह की असंवैधानिक जो घटनाएं हैं वो ना हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी पुलिस पदाधिकारियों को पर्व को देखते हुए सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ कार्य करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और जानकारी अगर कुछ भी ऐसी मिले तो उस बिंदु पर गौर करते हुए पुलिस तत्परता के साथ कार्य करे, साथ ही पर्व के दौरान असामाजिक तत्व पर विशेष नज़र बनाए रखे। IG ने पर्व के दौरान सोशल मीडिया पर भी विशेष निगाह बनाए रखने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है, साथ ही कोई भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा कहीं से कोई जानकारी मिले तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देने की अपील की है। होली की तैयारी की समीक्षा करते उन्होंने जिले को पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी बारीकी से गौर किया, साथ इन्होंने फरार वारंटी एवं सक्रिय अपराधियों को तैयार लिस्ट पर भी गौर किया, जिस पर उन्होंने संतोष जताया तथा अद्यतन कार्रवाई के बिंदु पर भी प्रकाश डाला, साथ ही उन्होंने ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने की सूचना पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। तो यानी कि होली के मौके पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक घटना ना हो, असंवैधानिक घटनाएं ना हो, इसको लेकर मगध IG छत्र नील सिंह ने साफ तौर पर पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें, आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।